सो आई यूज़ टू स्टैमर अ लॉट. एटलीस्ट बोल तो रही हूँ ना, मेरी बात में तो दम है. तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जिनको स्टैमरिंग होती है कभी हार मत मानना, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना. और जब मैं उसे प्रपोज करने लगा तो वही बात हुई जिसका मुझे बहुत डर था. वहाँ पर भी मेरा एकदम ब्रेक लग गई और मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने मेरा मजाक तो बनाया ही और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गई. एक टाइम मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा भी आया कि जब मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था अपने आप से, मुझे ये लगने लगे था कि मैं इस ज़िंदगी में बहुत बड़ा बोझ हूँ, क्योंकि जब मैं इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो मेरा जीने का क्या फायदा. सभी जगह में अगर मैं घर से बाहर जाता था, मेरे फ्रेंड्स में मेरा मजाक बनता था, जॉब के लिए जाता था तब मेरा मजाक बनता था, कहीं पर भी मैं जाता था तो हर समय मैं एक मजाक का एक पात्र बन के रह गया. इतना डिप्रेस हो चुका था तो मैंने सुसाइड करने के लिए सोचा कि मैं अब हमेशा के लिए इस ज़िंदगी को अलविदा कह दूँगा और एकदम अंदर से शांत हो जाऊँगा ताकि मुझे ये समस्या कभी भी ना हो. बट ईश्वर की कृपा हुई, जब मैं सुसाइड करने के लिए गया तब एकदम मेरे माइंड में थॉट आया, मैंने किसी की पॉजिटिव बातें कुछ सुनी.